हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं नई तरीके से हेयर ट्रीटमेंट। तो आप बाल, हमारे क्लाइंट के बाल देख सकते हो गाइस, कितने रफ हैं, कलर वाले बाल हैं और रूट्स पे हल्का सा वेव है, ज़्यादा वेव नहीं है, हल्का सा वेव है। और लेंथ वाले जो हेयर हैं वो कलर्ड वाले बाल हैं और बालों में कलर है और एंड से डैमेज हो चुके हैं बाल, बहुत सारे डैमेज हैं एंड से। तो ऐसे बालों में हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे जो जितने में वेव है हम करेंगे स्मूथनिंग वाली क्रीम। जितने बाल वेव वाले बाल हैं इतने भी बालों में ही हम स्मूथनिंग क्रीम लगाएंगे और स्पीड से लगाएंगे और ज़्यादा टाइम तक नहीं रखेंगे। ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना है, ये देखिए कितना वेव है, ज़्यादा वेव नहीं है, वो बहुत ही कम वेव है। और ऐसे में हम स्मूथनिंग क्रीम फुल लेंथ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि गाइस एंड से देखिए बहुत ज़्यादा डैमेज हेयर हैं, देखिए बहुत ज़्यादा रफ हेयर हैं, कलर वाले बाल हैं, तो हम एंड पे ये वाली क्रीम नहीं लगाएंगे, स्मूथनिंग वाली क्रीम नहीं लगाएंगे, नहीं माइल्ड लगाएंगे, नहीं इंटेंस लगाएंगे। हम ओनली जहाँ पे वेव है बस वहाँ पे ही लगाएंगे और स्पीड से लगाएंगे और मैक्सिमम 10 मिनट्स या 15 मिनट्स ही क्रीम को लगाकर रखेंगे, क्योंकि इस केराटीन से ये वेव नहीं निकलेगा, इसलिए हम यहाँ के जो वेव हेयर है वहाँ का बॉन्ड ब्रेक करेंगे। और उसके बाद 10 मिनट के बाद ही हम इसको रिंस कर देंगे। तो ऐसे बालों में हम स्मूथनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि कलर वाले बाल हैं और डैमेज हेयर हैं, तो स्मूथनिंग से या रिमोल्डिंग से ऑलरेडी और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे बाल। तो गाइस ऐसे बालों में हम स्मूथनिंग क्रीम उतने बालों में ही लगाएंगे, क्योंकि इस क्रीम को ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना है, ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक नहीं करने हैं, नॉर्मली वेव है तो उसी को हम क्रीम लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे लगाई है, जितने में वेव है उतने में ही क्रीम लगाई है और उसके बाद हम यहाँ पे 10 मिनट के बाद इसको रिंस कर देंगे 10 मिनट के बाद। और उसको ये 10 मिनट ये क्रीम हमारी लग चुकी है, ये देखिए हमने इतनी लेंथ पे लगाई है जितने पे वेव है और ऊपर वाले वालों पे कलर भी नहीं है, इसलिए हमने इंटेंस क्रीम लगाई है और एंड पे बिल्कुल भी नहीं लगाई, लेंथ पे बिल्कुल भी नहीं लगाई है। और अब हम यहाँ पे इसको रिंस कर देंगे, 10 मिनट के बाद ही इसको रिंस कर देंगे और यहाँ पे शैम्पू कर लेंगे। शैम्पू हमने कर लिया है, प्योर रिफाइन शैम्पू करा है और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे केराटीन। जैसे केराटीन करते हैं वैसे ही केराटीन करेंगे, हमने 50% हमने यहाँ पे ड्राई कर लिया है, नहीं ज़्यादा गीले नहीं ज़्यादा सूखे बाल हैं, ड्राई बाल हैं, हमने यहाँ पे केराटीन, जैसे केराटीन करते हैं वैसे ही केराटीन अप्लाई करेंगे, छोटे छोटे सेक्शन लेंगे और मल्सीफाई अच्छे से करेंगे। यहाँ पे केराटीन अप्लाई कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे छोटे छोटे सेक्शन लेकर ही अप्लाई करना है। और इस केराटीन को अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे 20 मिनट्स छोड़ेंगे और उसको बिल्कुल स्ट्रेट छोड़ना है, इसको फोल्ड नहीं करने हैं हेयर को, क्योंकि हमें स्ट्रेट रखने हैं बाल। तो यहाँ पे हमें बालों को स्ट्रेट छोड़ना है और इसको कवर करके क्लिंग रैप या फॉइल पेपर से कवर करके रखना है और स्ट्रेट हेयर को छोड़ना है। यहाँ पे हमारे 20 मिनट्स हो चुके हैं और हम यहाँ पे करेंगे नॉर्मल ड्राई करेंगे, मीडियम हीट पे ड्राई करेंगे और उसके बाद पेडल ब्रश से स्ट्रेट करके स्ट्रेट ड्रायर करना है मीडियम हीट से और उसके बाद आयरन कर देनी है, जैसे केराटीन में करते हैं वैसे ही छोटे छोटे सेक्शन लेके करने हैं, यहाँ पे मोटे सेक्शन लेके नहीं करना है,
जैसे स्मूथनिंग में आप आयरन करते हो वैसे ही छोटे छोटे सेक्शन से करना है, उससे ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मोटे मोटे सेक्शन नहीं करना है, मैं छोटे छोटे सेक्शन से ही आयरन करनी है। और उसके बाद आपको दो दिन तक केयर करनी है, जैसे स्मूथनिंग में करते हैं, नहीं पानी लगने देना है। क्लाइंट से बोलना है कि पानी नहीं लगना चाहिए मैम, और कान के पीछे टक नहीं करने चाहिए वालों को, और स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको बताना है। और उसके बाद आपको सल्फेट फ्री शैम्पू और कंडीशनर बताना है क्लाइंट को कि सल्फेट फ्री शैम्पू और कंडीशनर यूज करना है। और देखिए दोस्तों, फाइनल हो चुकी है। अगर आपको कैसी लगी